आई थिंक निमिषा मैम का परफेक्शन बैच मैंने फॉलो किया, रेगुलर फॉलो किया, और उससे जो मेंस लेवल के क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करी है उससे मुझे मेंस एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हुआ। वो मैम ने जो कंटेंट हम लोगों को प्रोवाइड किया वो एग्ज़ाम के ऊपर ही रहता था, तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हुई मेंस की। और मैंने फिर इनफैक्ट इंग्लिश के लिए और कुछ नहीं किया, परफेक्शन मैच डेली बेसिस पर देखता था, तो उससे काफ़ी हेल्प हुआ मुझे मेंस एग्ज़ाम में। इनफैक्ट इंग्लिश में, इंग्लिश में आई थिंक कंसिस्टेंसी मेन है, क्योंकि मैंने रीडिंग में भी कंसिस्टेंसी रखी थी और मैम का परफेक्शन मैच भी मैं डेली करता था, तो आई थिंक इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही। और मैं RRB प्योर मेंस में इनफैक्ट क्या हुआ था, मैं इंग्लिश को जो टाइम मैंने अलॉट किया था कि मैं इतना टाइम दूंगा, उसमें टाइम अलॉटमेंट वो तो करते नहीं है, तो मैंने फिक्स कर लिया था इतना दूंगा, बट मैं जब इंग्लिश अटैम्प्ट कर रहा था तो मुझे बहुत ईजी लगा, तो मैंने फिर मैथ्स रीजनिंग का टाइम कम करके इंग्लिश को थोड़ा टाइम बढ़ा दिया और मैंने उसमें 40 से 37% अटैम्प्ट किए थे मेंस में, तो वो प्रैक्टिस से ही और कंसिस्टेंसी से ही हुआ।